इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक रूम हीटर की वर्किंग, उसके मेन पार्ट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक हीटर हीट ट्रांसफर के कौन से प्रोसेस पे काम करता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला फैन, दूसरा है हीटिंग एलिमेंट। फैन का काम होता है एयर को हीटिंग एलिमेंट की ओर फ्लो करवाना, मींस फैन का काम एयर को सर्कुलेट करना है। हीटिंग एलिमेंट का काम एयर को हीट करना है, मींस जो एयर हीटिंग एलिमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट बेसिकली नाइक्रोम अलॉय से बना होता है, यह निकिल एंड क्रोमियम की अलॉय होती है। नाइक्रोम के हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसका यूज हीटर में किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की। जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, मींस कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला होता है H=I²RT, मींस हीट प्रोडक्शन 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट। अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और करंट का फ्लो कंडक्टर में ज्यादा टाइम के लिए होगा तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रूम हीटर की वर्किंग की। इलेक्ट्रिक रूम हीटर एयर को कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा गर्म करता है। आप कन्वेक्शन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूम हीटर को बेसिकली रूम के बॉटम पार्ट पे रखा जाता है। जब रूम हीटर को ऑन किया जाता है तो हीटिंग एलिमेंट के हाई रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीटर का फैन एयर को हीटिंग एलिमेंट की ओर फ्लो करवाता है। जब एयर हीटिंग एलिमेंट के कॉन्टेक्ट में आती है तो एयर में हीटिंग एलिमेंट से हीट का ट्रांसफर हो जाता है और एयर गर्म हो जाती है, और ये हॉट एयर ऊपर की ओर राइज करती है बिकॉज हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू कोल्ड एयर। रूम के टॉप पार्ट पे जो एयर होगी वो कोल्ड होगी, मींस उसकी डेंसिटी हाई होगी और वो नीचे की ओर मूव करेगी, और ये कोल्ड एयर हीटिंग एलिमेंट से पास होगी और गर्म हो जाएगी और ऊपर की ओर राइज करेगी। ऐसे एयर का सर्कुलेशन होता रहता है और रूम गर्म रहता है। रूम की एयर की हीटिंग एयर पार्टिकल्स के एक्चुअल मोशन से हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूम हीटर कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा हीटिंग करता है। चलिए वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम अलॉय से बना होता है। नाइक्रोम अलॉय निकिल और क्रोमियम की अलॉय होती है। नाइक्रोम के हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसका यूज हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर से एयर की हीटिंग कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस में क्या रोल प्ले करती है? हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की इस प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंस होती है? चलिए इस वीडियो में इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। उसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट आप उसे दोगे वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो सब्सटेंस गर्म होने में ज्यादा टाइम लेगा और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लेगा। अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो सब्सटेंस गर्म या ठंडा होने में कम टाइम लेगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है और अर्थ लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। मींस वाटर लैंड के कंपेयर में गर्म या ठंडा होने में ज्यादा टाइम लेता है। अब बात करते हैं सी ब्रिज की। यह प्रोसेस डे के टाइम होता है। सी और लैंड सरफेस की सन की रेडिएशन के कारण हीटिंग होती है। लैंड सी वाटर के कंपेयर में
जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वाटर के कंपेयर में। लैंड के ज्यादा गर्म होने के कारण जो सराउंडिंग एयर होती है वो लैंड से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्सपेंड करती है। इस एक्सपेंशन के कारण एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और वो राइज करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा होने के कारण लैंड के ऊपर लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस के टाइम पर ही सी वाटर के ऊपर हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है बिकॉज सी वाटर के ऊपर जो एयर होती है वो कोल्ड होती है मींस एयर की डेंसिटी हाई होती है। हमें पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। लैंड सरफेस और सी सरफेस के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण सी सरफेस से कोल्ड एयर लैंड सरफेस की ओर फ्लो करती है। इसी प्रोसेस को सी ब्रीज कहते हैं। अब बात करते हैं लैंड ब्रीज की। यह प्रोसेस नाइट के टाइम होता है। नाइट के टाइम पे सन के रेडिएशन न होने के कारण लैंड और सी सरफेस ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है लैंड के कम्पेयर में। सो वाटर ठंडा होने में टाइम लेगा बट लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। सी वाटर का टेम्परेचर लैंड के कंपेयर में ज्यादा होगा। सी वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्सपेंड करेगी मींस उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो ऊपर की ओर राइज करेगी और इस कारण से वहाँ लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा और लैंड सरफेस पे हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर कोल्ड एयर होगी। लैंड और सी सरफेस के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण लैंड सरफेस से कोल्ड एयर सी सरफेस की ओर फ्लो करेगी। इसी प्रोसेस को लैंड ब्रिज कहते हैं। चलिए वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। जब सी सरफेस एंड लैंड सरफेस के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण सी सरफेस से कोल्ड एयर लैंड सरफेस की ओर फ्लो करती है इसे हम सी ब्रिज कहते हैं। जब सी सरफेस एंड लैंड सरफेस के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण लैंड सरफेस से कोल्ड एयर सी सरफेस की ओर फ्लो करती है उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।